Thank you very much, everyone. You comfortable? Absolutely. Okay, और अब मेरे सामने बैठे हैं मेरे बहुत बहुत अच्छे दोस्त, the man with the golden heart, जिन्होंने बहुत जिंदगी देखी है और हमारी फिल्म इंडस्ट्री में ओरिजिनली जो टर्म यूज होता है बाबा, उनको उसे प्यार का टर्म है, सिर्फ इनके लिए ही कॉइन हुआ है. He is the original बाबा और वो हैं संजय दत्त, ऑफ कोर्स. एंड उनके साथ हमारे मुन्ना भाई के लकी मैस्कॉट लकी सिंह यानी बमन ईरानी, जिन्हें और इन दोनों के थोड़े थोड़े शौक बता दूं. संजू का जैसे मैंने बताया, ही इज हैड अ हार्ड लाइफ एंड मैं छोटा हूं संजू से, लेकिन फिर भी उनके बारे में बहुत जानता हूं. लेकिन जिस प्यार से और जिस दुलार से और जिस खुशी से उन्होंने इस जिंदगी को जीने की कोशिश की है, शायद मेरी जिंदगी में ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जिसने ऐसा किया हो संजू. एंड मैं एक छोटा सा किस्सा बताना चाहूंगा सबको कि जब मैं मुंबई में नया नया आया था, मेरा कोई दोस्त नहीं था, मैं किसी को नहीं जानता था और मेरा झगड़ा हो गया था किसी के साथ. एंड आई हैड नोबडी टू टर्न टू एंड आई वाज होपिंग कि मैं दिल्ली में हूं, मेरे माँ बाप भी नहीं थे और एक आदमी था जो अपनी जीप लेकर मेरे पास आया था, एंड दैट वाज संजय दत्त. एंड ही सेड इफ एनीवन टचेस यू यू टेल मी. सो ही इज माय एल्डर ब्रदर एंड ऑफ कोर्स बमन जो है इनकी भी बहुत हम्बल बिगनिंग है, बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ बिगनिंग है. नॉट ओनली हम्बल, वेरी एजुकेटेड मैन, लेकिन इन्होंने अपनी शुरुआत एक वेफर शॉप से, ब्रेड एंड वेफर शॉप से शुरू की. उसके बाद इन्होंने फोटोग्राफी की है और मैरिजेस भी कवर की हैं एज अ फोटोग्राफर. एंड नाउ ही इज इजली वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड एंड द बेस्ट एक्टर्स वी हैव इन अ कंट्री. सो बमन, टेल मी, कैसे तुमने शुरुआत की थी? मेरे हिसाब से मैं हमेशा फैन था, सबकी पिक्चरें देखता था, फैन था, तो फैन फैन होता है अपनी जगह पे. ओके. और हमेशा सोचता था, यू नो, आई मस्ट हैव सीन रॉकी गॉड नोस हाउ मेनी टाइम्स. रॉकी में संजू कैसे लगे थे तुम्हें? अभी अभी झूठ नहीं बोलना. नहीं, पहली बार देखकर कैसे लगा था बता दो संजू साहब. उस वक्त क्या था, उस वक्त क्या था कि रॉकी केम आउट एंड लव स्टोरी निकली थी के बाद, एंड आई वॉज अ बिग सपोर्टर ऑफ संजू. ओके. बिग सपोर्टर. He has come a long way since then, but aaj bhi I feel it was a great, great debut. Okay, thank you. And मैं आप लोगों से भी और बात करूंगा, लेकिन उससे पहले आपके साथ आई हुई आपकी फैमिली को मैं इंट्रोड्यूस करा दूं. सबसे पहले हैं जरू डार्लिंग. मुझे बमन ने कहा है मैं आपको कह सकता हूँ ये जरू डार्लिंग. केम छो मजा मा? फाइन. यू गुड? ग्रेट. आर यू हैप्पी टू बी हियर? वेरी हैप्पी. And you think aapka ladka jo hai honhar ladka hai, will he do any good here today? He, what shall I say about my son? He's a wonderful human being. He's very naughty, Jaru darling. Let me tell you, he's very naughty. A very family oriented man and a great friend and a loving son. Oh yes. What more does a mother want? Nothing more. He's the best son in the world to have. Yeah. And of course with Jaru darling is Zenobia. Zenobia, आपके भी ख्यालात माँ से ऐसे मिलते हैं कि एज अ वाइफ आप डिसएग्री करना चाहेंगे कुछ बातों से? नो, एब्सोल्युटली, आई कंप्लीटली एग्री विद हर. यू कंप्लीटली एग्री? ओके, वेलकम हियर. आई एम सो हैप्पी टू सी बोथ ऑफ यू हियर. बोथ ऑफ देम हैव बीन वेरी एक्साइटेड टू बी हियर. एंड साथ में है अजय जो संजू के दोस्त हैं. अजय, कैसा लग रहा है यहाँ पर आके? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ. ओके, एक बात बताओ, संजू यारों का यार, दोस्तों का दोस्त, भाइयों का भाई कैसा है? तुम उसके इतने करीब हो, उसके बारे में कुछ बताओ.